पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज है। हम पहले भी बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से, हार जीत ईश्वर के हाथ में है, मतदाता मालिक, मेहनत करेंगे। लेकिन जब तक ईश्वर का दिया हुआ बारिश से चापाकल में पानी नहीं आएगा, हम टैंकर के द्वारा पानी देते रहेंगे मतदाता मालिक को। ये तो हुआ इस साल की बात। अगले वर्ष जैसे 1000 का संख्या है एक वार्ड में, तो हम इंजीनियर के द्वारा उसका समाधान निकालेंगे कि कितना सबमर्सिबल लगा दें कि एक एक घर हमारा मतदाता मालिक के घर पानी पहुंच जाए और पानी घर घर पाइप के द्वारा जाए, ताकि अगले वर्ष हमारे टैंकर का इंतजार में हमारा मतदाता मालिक अपना बाल्टी लगा के इंतजार ना करे। मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे। और आपको देखने को मिला 11 तारीख को मतदाता मालिक 80 और 20 का खेला ही दिखाया जो शुरू से बोल रहे थे। 22% पे और भी मेयर प्रत्याशी सिमट गए हैं, तो ये माना जाए कि 78% हमारा है, जोड़ने का चीज़ है। अब बाकी लोग तो 0% हो गया। तो मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं, खास करके बहुत अधिक मत ब्राह्मण और भूयार से मिला। बाकी 1 से 45 वार्ड में 41 जात का जो समीकरण था, वो 41 जातों को हर बूथ पे हमको मत मिला। इसीलिए हर बूथ पे इतना मत मिला हमको कि हर जगह हम बढ़े रहे और बढ़ोतरी हमेशा चलता रहा। जीत का ये भी एक मतलब जो है दिखाई देता है कि कोई बूथ हमारा माइनस नहीं गया। तो इससे क्लियर होता है कि हमारा मतदाता मालिक हर बूथ पे, हमारा कार्यकर्ता मतदाता मालिक खड़े थे और अपने काम ईमानदारी से कर रहे थे। आज कार्यकर्ता का ईमानदारी का देन है, मतदाता मालिक जो भी बुद्धिजीवी थे उनका देन है कि मधुबनी जिला में हमारे जैसे लोग को मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम मतदाता मालिक के ऋणी हैं। और हमारा मतदाता मालिक आपके चैनल के द्वारा हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इनका ऋण एक एक पैसा सज जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी काम का तौर तरीका होगा, जैसे 1 से 45 वार्ड में 45 पार्षद होंगे, 45 पार्षद होंगे तो हर वार्ड में वहाँ के 15 बुद्धिजीवी लोग को भी रखेंगे। और एक हम हर वार्ड में जाएंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और 15 का जो बुद्धिजीवी का विचार होगा वार्ड में सेम काम होगा, जो 15 का विचार होगा। हम अपने मन से कोई काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे रीजन में वो लूट बजारी जो चलते आ रहा था, वो हमारे रीजन में बंद हो जाएगा। जैसे आवास, शौचालय, उसमें 1 रुपया किसी को लेन देन नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। हर गरीब मतदाता मालिक के खाता में एक एक पैसा चला जाएगा। ये हम शुरू से बोलते आए हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि हमारा मतदाता मालिक 1 रुपया किसी को न दे। और कोई मांगता है तो डायरेक्ट सरकार के नीति के तहत वो हमको मत दिए हैं, उनके मत से हम मेयर के कुर्सी पर बैठ रहे हैं। तो उनका अधिकार बनता है, हर मतदाता मालिक का अधिकार बनता है, अपने अधिकार को हनन ना करके हमारे पास आए, अपना विचार रखे, स्वतः उनका काम हो जाएगा। भीषण गर्मी के कारण जो है वो मधुबनी का जलस्तर काफी नीचे गया है, तो हम इंजीनियर के द्वारा उसका समाधान निकालेंगे कि कितना सबमर्सिबल लगा दें कि एक एक घर हमारा मतदाता मालिक के घर पानी पहुंच जाए और पानी घर घर पाइप के द्वारा जाए, ताकि अगले वर्ष हमारे टैंकर का इंतजार में हमारा मतदाता मालिक अपना बाल्टी लगा के इंतजार ना करे। जो लोग कह रहे थे कि फेसबुक से मिलना तो आप जीत रहे हैं, फेसबुक से जीत रहे हैं, और अभी जो आपकी जीत हो गई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बस ये कह रहे थे कि अरुण राय सोशल मीडिया से जीत रहे हैं, पत्रकारों से जीत रहे हैं, अब क्योंकि आपकी जीत सच में हो गई है, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? कौन क्या कर रहे थे ये हमको मालूम नहीं है। न कोई आगे था न कोई पीछे था, हम शुरू से बोल रहे थे 80% वोट हम लेंगे। हम लेके दिखा दिए, सारे मीडिया को बोले थे, आज देख लिए तो कोई था ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा था, कहीं कोई नहीं था हमारे नज़र में। और ये 11 जून को
जो आप लोग आर के कॉलेज गए तो क्लियर कर दिया, कोई नहीं है तो नहीं है। अब 10 तो 12 2000 वाला को मेयर प्रत्याशी गिनती कीजिएगा, तो ये तो हमारे समझ में कहीं से नहीं आता। शपथ ग्रहण कब करेंगे? हम हर काम मंगलवार को करते हैं, क्योंकि कल मंगलवार है तो कल नहीं कर पाएंगे हम, उसका बहुत व्यवस्था के तहत करेंगे, व्यवस्था हमारा रहेगा बहुत टाइट, तो ऐसी स्थिति में अगले मंगल को हम करेंगे। सर, सर बिहार के आप एकमात्र ऐसे मेयर बने हैं जिनके चुनाव आचार संहिता का कोई केस नहीं है, और आप अपने विरोधियों पर कोई टीका टिप्पणी अभी तक नहीं किए हैं, इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, कौन क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम है, हमको मालूम है कि जो भी एक्ट है, एक्ट के तहत चलेंगे तो हमारे ऊपर ना कोई केस होगा, ना मतदाता मालिक को आक्रोश होगा, ना समाज को आक्रोश होगा, और ना हम समाज द्रोही बनेंगे। तो इसीलिए हमारा चलने का अपना तौर तरीका है, और मेयर प्रत्याशी अपने तरीके से चले हैं, तो उनको क्या हुआ नहीं हुआ ये भी हमको मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ मामले में हम अपने आप के लिए सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ ना जानते हैं न समझते हैं। सर, आपके चुनाव जीतने के बाद कुछ समर्थक जो है प्रत्याशी थे, उन्होंने राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के आवास पर पत्थरबाजी भी की, इस घटना को आप किस तरह से देखते? इंसान को समय खराब आ जाता है ना, तो बुद्धि विवेक मर जाता है। आज फयाज बाबू, डॉक्टर फयाज अहमद बहुत न्याय शरीफ आदमी है, वो डॉक्टर हैं। अभी हमारा जो मंत्री है समीर बाबू, आज तक न आए, न हम किसी से मदद लिए, न कोई हमको मदद किया। संबंध मधुबनी जिला में हमको सबसे है और सबसे रहेगा। अब सोच बना ले और कुछ रोला फेंका दे, उससे महान आदमी हो जाएगा, तो वो महान आदमी नहीं होगा, कहीं से महान आदमी नहीं होगा, ना वो ताकतवर होगा। ये अपना नीचापन दिखाया है, और ऐसे आदमी को अल्लाह और ईश्वर नीचे ही रखेंगे। फयाज बाबू फयाज बाबू हैं, फयाज बाबू से हमारा अच्छा संबंध जरूर है, लेकिन चुनाव में न कभी हम कुछ कहे कि हम आपके द्वारा कुछ दिलवाइए, मतदाता को कहिए, और न समीर जी को कहें। हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के बलबूते पे, और हमको भरोसा था कि 20 वर्षों से हम जो समाज को सेवा दिए हैं, समाज हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, वार्ड हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि 1 से 30 वार्ड का जनता मालिक हमको जान रहे थे। 2002 में हम पार्षद भी बने हुए थे, तो 2002 से ही जो भी चेयरमैन बने, कहीं ना कहीं हमारा आशीर्वाद रहा, तो 1 से 30 वार्ड के जनता हमको जानते थे। ये 15 वार्ड बना, ये बजरंग बली का भरपूर आशीर्वाद था। 14 वार्ड हमारे लायक ही बना, जहाँ वहाँ भी हमारा अनजान था, अच्छा पकड़ था। 1 वार्ड नया बना जिसका नाम है खनगांव, वहाँ भी बजरंग बली के आशीर्वाद से, अपने बुद्धि विवेक से, वहाँ भी मिला जुला करके हम 525 वोट लाए हैं, तो वो भी वार्ड अपना हो गया। 1 से 45 वार्ड ऐसा हुआ कि विरोधी को कट करते हुए हर वार्ड में 200 का प्लस हुआ, इसीलिए 45 गुना 90 9000 के समथिंग हमारा।